नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बापू की स्टैचू के पास खड़े हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है और ये सामने जयपुर जंक्शन का व्यू आपके सामने। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करके जयपुर जंक्शन से भोपाल तक जाने वाले हैं। ये ट्रेन की जर्नी जो पूरे दिन की रहने वाली है, अभी तकरीबन 7:45 की ट्रेन है और हमें भोपाल ये तकरीबन 7:45 ही पहुंचाएगी। तकरीबन 12 घंटे का सफ़र दिखा रखा है ऑनलाइन, यदि हम चेक करते हैं तो। टिकट हमने ले ली है, ये हमारी टिकट है आज की। और ये जंक्शन से बाहर निकलते ही यहाँ पर बापू की मूर्ति के पीछे की तरफ यहाँ पर ये टिकट घर है जहाँ से टिकट ले ली है। और आइए चलते हैं अंदर। और ट्रेन हमारी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है जो सामने ही है। एंट्री करते ही बने रहे पूरे वीडियो मेरे साथ में। और ये झंडा हमारा ऊंचा रहे सदा। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का वक्त। और ये जयपुर रेलवे स्टेशन का सामने का पूरा फ्रंट व्यू। 7:05 हो गए हैं घड़ी में, देखिए आप। और ये जयपुर जंक्शन, हमारी गाड़ी का अनाउंस हो गया है। अभी हम 1 नंबर पे हैं लेकिन बताया गया है कि 3 नंबर पे आने वाली है। तो आइए चलते हैं 3 नंबर पे। ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3, यहाँ हमारी गाड़ी आएगी। और ये आज की हमारी ट्रेन तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गई है। और ये हमारी गाड़ी अभी जयपुर जंक्शन से चल पड़ी है। ये जयपुर जंक्शन पीछे छूटता हुआ और गाड़ी हमारी आगे निकलती हुई। ये रेलवे स्टेशन से चलते ही सामने ये फ्लाई ओवर। ये आ गया है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। थोड़ा चलते ही दुर्गापुरा आ जाता है। जयपुर का ही दूसरा स्टेशन है। रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है, शायद लगता है रुकेगी गाड़ी यहाँ। और ये वनस्थली रेलवे स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकी है यहाँ पर। दुर्गापुरा से चलने के बाद पहला स्टेशन वनस्थली निवाई से हमारी गाड़ी चल पड़ी है।
माधोपुर पहुँचे हैं। और यहाँ से हमारी गाड़ी आगे सुपर फास्ट होने वाली है, स्पीड से जाएगी। यहाँ से आगे यहाँ तक जयपुर से यहाँ तक थोड़ी स्लो आई है, लेकिन यहाँ से आगे फास्ट जाने वाली है। हमारी गाड़ी वापस वाई माधोपुर से निकला है, रवाना हो चुका है। और ये इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन, एक मिनट रुकने के बाद वापस गाड़ी हमारी चल पड़ी। सवाई माधोपुर से चलने के बाद ये पहला स्टेशन, और ये अभी हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन पहुंच चुकी है। सवाई माधोपुर के बाद कोटा ही अगला स्टेशन है जहाँ ये गाड़ी रुकी है। और अभी हमारी गाड़ी कोटा जंक्शन से चल पड़ी है 10 मिनट के स्टॉप के बाद। ये कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये आ गया रामगंज मंडी जंक्शन।
और ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से चल पड़े हैं। थोड़ी सी लेट हमारी ट्रेन चल रही है, तकरीबन 15-20 मिनट की लेट है, तो लगता है भोपाल तक लेट तो निकल जाएगी। ऑनलाइन टाइम दिखा रहा है भोपाल का, ऑन टाइम पहुंचने का। देखते हैं भोपाल पहुंचते हैं तो किस टाइम पहुंचती है, आपको अपडेट देता हूं। ये अभी हम आ गए हैं सुजातपुर, सीहोर से पहले है सुजातपुर, यहाँ हम पहुंचे हैं। अभी अंधेरा होने वाला है, और ये अभी हम सुजातपुर से भी चल पड़े हैं, सुजालपुर से भी, तो आगे अभी सीहोर आएगा और उसके बाद भोपाल आएगा। 8 बजे तक पहुंचने का टाइम है, देखते हैं। और ये सीहोर रेलवे स्टेशन आ गया है, ये झंडा हमारा ऊंचा रहे सदा। सीहोर रेलवे स्टेशन का व्यू, यहाँ से अभी भोपाल आएगा और अभी ट्रेन टाइम पर ही है, तो होपफुली टाइम पर पहुंच जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे, आप अपडेट आपको मैं देता हूँ। और ये अभी भोपाल स्टेशन आ चुका है, उतरने के लिए काफी भीड़ लगी हुई है। और ये भोपाल जंक्शन, हमारी गाड़ी ये पहुंच गई है, काफी भीड़ थी। तो ये भोपाल में गांधी जी, और ये गांधी जी का बड़ा सा चरखा, आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।